हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि HTML5 में एट्रीब्यूट्स और टैग्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आज हम देखेंगे कि HTML5 में टेबल्स क्या हैं। अगर जो HTML की हिस्ट्री हम लें तो HTML जब स्टार्ट हुआ तब जो भी वेब पेज बनते थे, मतलब के जो पुराने वेब पेज थे, वो सब वेब पेज टेबल के यूज़ से बनते थे। उसमें डिव का यूज़ नहीं होता था। उसके बाद थोड़े समय बाद डिव का यूज़ हुआ। अब HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 चल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है, वो जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ HTML में भी वही फंडा यूज़ होता है। HTML टेबल में रो और कॉलम्स के बेस पे पूरा का पूरा टेबल डिफाइन होगा। तो अब हम ये HTML में टेबल लिखेंगे किस तरह से। तो अब HTML में हमें टेबल डिफाइन करना है, तो टेबल डिफाइन करने के लिए हम पहले टेबल टैग लिखेंगे। तो टेबल टैग लिखने का मेन रीज़न क्या, तो ब्राउज़र को पता चलता है कि हाँ, यहाँ से टेबल स्टार्ट हुआ। पहले अगले लेक्चर में बताया था कि HTML में जितने भी टैग यूज़ करोगे वो टैग पेयर्स में आएंगे, तो यहाँ भी टेबल भी पेयर्स में ही आएगा। मतलब कि टेबल टैग लिखा तो टेबल स्टार्ट हुआ, तो अब दूसरा भी टैग लिखना पड़ेगा टेबल, उसको क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे टेबल का एक पेयर हुआ, तो इन दोनों पेयर के बीच में आप जो भी डिफाइन करोगे वो एज ए टेबल कंसीडर करेगा। कौन? तो ब्राउज़र। अब टेबल तो हमने डिफाइन कर दिया, अब इसके अंदर में हम रो और कॉलम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो रो डिफाइन करने के लिए HTML में TR यूज़ करते हैं। TR का फुल फॉर्म है टेबल रो। तो ये टेबल रो भी पेयर में आएगी, TR स्टार्ट किया, TR कंप्लीट किया। तो रो बनाने के लिए हमने HTML में TR यूज़ करना है। अब आई कॉलम की बारी, तो एक रो के अंदर में ही हम कॉलम यूज़ करेंगे। तो अब ये कॉलम यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो TD या TH। तो ये दो दो चीज़ें क्यों? तो TD का मतलब है टेबल का डेटा। जो हमने डेटा लिखना है वो TD से लिखेंगे या TD के अंदर में लिखेंगे। और TH का फुल फॉर्म है टेबल हेडर। तो ये हेडर का मतलब क्या हुआ? हेडर का मतलब है हेडिंग। तो हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि हम एक टाइम टेबल लिखते हैं, तो ऊपर हम लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट का नाम होगा मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, साइंस। तो ये जो नाम्स आ रहे हैं वो हेडिंग हुए कि इस टेबल में ये हेडिंग है तो मैथमेटिक्स, तो उसके नीचे हमने उसका टाइम लिखना है। सोशल स्टडी, तो उसके नीचे हमने उसका टाइम लिखना है। तो यहाँ पे टेबल हेडर या टेबल हेडिंग, वो हेडिंग देने के लिए यूज़ होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है TH। तो यहाँ पे हमने पता चल गया कि कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हुआ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहले टेबल लिखेंगे, टेबल क्लोज करेंगे। अब इन दोनों टेबल पेयर के बीच में हम पहले डिफाइन करेंगे TR। वो TR स्टार्ट किया तो TR ख़त्म भी होगा, जैसे कि पेयर में आता है। अब इन TR के बीच में आपको जो हेडिंग लेना है तो आप TH यूज़ करोगे, और अगर जो आपको डेटा यूज़ करना है तो आप लोगे TD। इतना तो डिफाइन हो गया। तो अब ये डिस्प्ले कैसे होगा HTML में? तो HTML में हमने सपोज़ के एक TR लिया, इसके अंदर में TD लिया, और इस TD में हमने हेलो लिखा। अब ये TD बंद हुआ, दूसरा TD लिया, सेम रो में दूसरा TD लिया, तो उस TD में हमने वर्ल्ड लिखा। तो अब ब्राउज़र हमें किस तरह से डिस्प्ले करवाएगा? हमने यहाँ पे एक के बाद एक दोनों TD लिखे, मतलब कि टेबल डेटा लिखे, तो ब्राउज़र ये एक के बाद एक डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ब्राउज़र डिस्प्ले करवाएगा, पहले हेलो डिस्प्ले करवाएगा, उसके पास में ही, मतलब बगल में ही वर्ड डिस्प्ले करवाएगा। मतलब कि ये पूरा एक वर्ड हो गया, हेलो वर्ड। हमने ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऐसा बताया। सही में ये टेबल डेटा का मेन मतलब है कि एक दूसरे के पास में डेटा को रखना। अब यहाँ पे टेबल किस तरह से डिफाइन किया वो हमने देख लिया। अब हमने टेबल में थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जिनके बेस पे हम टेबल को कुछ अच्छी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, जैसे कि हमने वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे कि हमने टेबल डिफाइन किया, तो अब हमने टेबल की विड्थ डिफाइन करनी है कि ये पेज में टेबल कितना दिखना चाहिए। कि सपोज़ कि हमारी 500 पिक्सल की स्क्रीन है,
500 पिक्सल की स्क्रीन में हमने टेबल को सिर्फ 300 पिक्सल ही दिखाना है, तो हम यहाँ पे टेबल की विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो विड्थ कैसे डिफाइन करेंगे? तो विड्थ डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट में हमने 300 पिक्सल डिफाइन करनी है तो हम 300 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ब्राउज़र इस तरह से कंसीडर करेगा कि ये टेबल की विड्थ 300 पिक्सल है। अब सेम उसी तरह से हमने जो टेबल का बॉर्डर भी डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं। तो कैसे? सिंपल टेबल एट्रीब्यूट्स, टेबल का एट्रीब्यूट्स है बॉर्डर करके। तो अगर जो हमने बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट में 0 लिखा, तो 0 का मतलब हुआ ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने टेबल में कोई भी बॉर्डर डिफाइन नहीं करनी है। तो ब्राउज़र अपने टेबल के कोई भी बॉर्डर दिखाएगा ही नहीं, या बगैर बॉर्डर की टेबल दिखाएगा। अगर जो हमने बॉर्डर के अंदर में डबल कोट में 1 लिखा, तो टेबल यानी ब्राउज़र 1 पिक्सल का बॉर्डर डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे 0 और 1 दो ही एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब के हाँ या ना। अगर जो बॉर्डर दिखानी है तो हम 1 यूज़ करेंगे, अगर जो बॉर्डर नहीं दिखानी है तो हम 0 यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डी के भी हैं और टेबल हेडर के भी हैं, तो हम 1 by 1 वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम टेबल डेटा या टेबल हेडर, मतलब कि TD या TH को हम किस तरह से विड्थ पास करें। तो सेम टेबल में जिस तरह से दिया, उसी तरह से विड्थ इज इक्वल टू आपको जो भी दिखाना है, जो भी विड्थ देनी है वो विड्थ दे सकते हो। आप ये विड्थ पिक्सल में भी दे सकते हो और परसेंटेज में भी दे सकते हो, आपकी डिपेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे आप ये कुछ चेंज कर सकते हो। टेबल में भी आप पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हो, या तो आप 100% में भी डिफाइन कर सकते हो। तो सेम उसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट है अलाइन, ALIGN। तो अलाइन है वो क्यों डिफाइन करते हैं कि कहीं जगह पे हमको कुछ टेक्स्ट हमको राइट साइड में भी दिखाने हैं, लेफ्ट सेंटर में भी दिखाने हैं, लेफ्ट में भी दिखाने हैं। तो यहाँ पे अलाइन का मतलब हुआ कि कहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है, उसका अलाइनमेंट कहाँ पे करना है। तो अगर जो हमने देखा जाए तो मोस्टली करेंसी राइट साइड में दिखाई जाती है, जो भी अमाउंट है वो राइट साइड में दिखाया जाता है। तो अगर जो हमने टेबल में कोई अमाउंट दिखाना है तो हम नॉर्मली राइट साइड में दिखाएंगे। तो ये राइट साइड में दिखाने के लिए क्या, तो हमने TD लिखा, TD के अंदर में 500 रुपये लिखे, तो ये 500 रुपये को हमने राइट साइड में दिखाना है। तो हम टेबल डेटा मतलब कि TD के अंदर में अलाइन लिखेंगे, लाइन के बाद इज इक्वल टू डबल कोट में हम राइट लिखेंगे। तो अब इस TD के अंदर में हमने जो भी अमाउंट लिखी है वो अमाउंट राइट साइड में डिस्प्ले होगी। उसी तरह आप जो सेंटर लिखोगे तो सेंटर में डिस्प्ले होगी, लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट में डिस्प्ले होगी। ये सेम फंडा आप TH मतलब के टेबल हेडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब BG आया, BG कलर आया, तो BG कलर का मतलब ये हुआ कि आपको ये पर्टिकुलर कॉलम या ये पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको कुछ कलर डिफाइन करना है। तो किस तरह से, तो BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट में आपने सपोज रेड लिखा, तो ये जो ये एक कॉलम बनी या एक जो ब्लॉक बना, वो ब्लॉक को पर्टिकुलर उसी ब्लॉक के लिए आपने रेड कलर दे दिया। अगर जो सेम यही BG कलर आप TR में यूज़ करते हो तो पूरी रो को रेड कलर मिलेगा। तो इसी बेस पे अगर जो आपने यही BG कलर आप टेबल में यूज़ करते हो तो पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे BG कलर भी एक एट्रीब्यूट्स है। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, कॉल स्पान और रो स्पान। तो ये है क्या कॉल स्पान, मतलब के हमने एक से ज़्यादा कॉलम को एकजुट करना है। रो स्पान मतलब के एक से ज़्यादा रो को हमने एकजुट करना है या इकट्ठा करना है। तो आज हमने देखा कि HTML5 में टेबल्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि टेबल्स किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे।